सब्सक्राइब करें शर्मा सॉफ्ट चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो हेलो गाइस, आज का तो मैं स्वागत हूं सभी के नए फ्रेंड वीडियो में। आज मैं लेके आया हूं यहां कुछ अलग, कुछ हटके। आज फिर से आ रही है 2019 की वीडियो। ये वीडियो में है मेरी 2018 की परचेज, जो मैंने परचेज किया, अलग अलग डिवाइसेस कौन से है, क्या क्या है उसके बारे में, और क्या मेरे को उसमें अच्छा लगा क्या नहीं उसके बारे में। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ मैकबुक एयर की। ये मैंने परचेज की थी 2017 या 18 में। तो ये पुराना मॉडल है, वैसे एडिशन है काफी पुराना, मगर इसकी रैम है 8GB 128GB इंटरनल स्टोरेज, 8GB रैम के साथ i5 प्रोसेसर, और 2GB का इसमें ग्राफिक कार्ड में आपको मिलेगा। तो अच्छी है ये, मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगी अगर देखने में, और यूज़ करने में काफ़ी स्मूथ है। बेसिकली मैं इसको यूज़ करता हूँ जो मैं अगर इसमें एडिटिंग वगैरह कर रहा हूँ, वीडियो एडिटिंग वगैरह, उसके में काफ़ी काम आती है। और अगर बात करें तो इंटेल HD ग्राफिक इसमें 6000 है। और जो बात करें अगर हम इसके इंच की, तो 13 इंच की है ये, 2015 मॉडल है इसका, काफ़ी पुराना मॉडल है जैसे कि मैंने बताया आपको। 1.6 GHz का प्रोसेसर है इसके अंदर। अपडेट्स इसकी है, मेरे को बेसिकली ये सबसे अच्छी इसकी वजह से लगी क्योंकि मैं इसमें अपनी जो एडिटिंग है, वीडियो एडिटिंग, वो करता हूँ। आपको कैसे लगी मेरे को जरूर बताएं। और काफ़ी स्लिम है अगर आप देख पा रहे हैं, और चलने में। तो मेरी दूसरी परचेज है यहाँ Amazon Alexa, जो कि Amazon Alexa Echo Dot है। काफ़ी स्मूथ स्पीकर है, मगर अगर टाइम पास के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, आपको म्यूज़िक वगैरह सुनना है, तो उसके लिए काफ़ी बढ़िया है। आपको एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, वाईफाई बेसिकली चाहिए इसके लिए, और आप इससे जो कंट्रोल कर सकते हैं लाइट वगैरह, कॉलिंग, और जो म्यूज़िक वगैरह वो प्ले कर सकते हैं। तो काफ़ी उस हिसाब से अगर एंटरटेनमेंट के लिए देखें तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये। प्राइसिंग इसकी कुछ मेरे ख्याल से 4000 के अराउंड कुछ थी जब मैंने परचेज किया था, और जो लैपटॉप है वो 68 या 69000 के कुछ अराउंड प्राइसिंग थी, और इसकी जो अमेजोन एलेक्सा की मैंने अभी बताया 4000 कुछ अराउंड थी। तो ये फर्क था, और इसके बड़े पार्ट भी आते हैं, मगर मेरे को इतनी जरूरत नहीं थी। मैंने बस वैसे ही गिफ्ट प्रोडक्ट के लिए भी लिया एक, तो कि मैं देख लूँ कैसे और आप लोगों को बता दूँ। तो ये मेरी सेकेंड परचेज थी जो मेरे को काफ़ी सही लगी, अगर टाइम पास के लिए देखा जाए तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये। तो अगली मेरी ये आ रही है परचेज, ये है मी का बैंड। ये मैंने 2000 कुछ का परचेज किया था, ये MI बैंड 3 है ये। ये भी मैंने काफ़ी यूज़ किया है, मेरे को अच्छा लगा, मगर इसका थोड़ा बैटरी बैकअप भी मेरे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लगी, बाकी नहीं। और अगर देखा जाए तो ये काफ़ी छोटा सा है, तो उसकी वजह से भी फ़ोन से कनेक्ट करके ही बेसिकली सारे यूज़ होता है, मगर हेल्पफुल काफ़ी है। जो चीज़ें चाहिए एक फिटनेस बैंड में कंप्लीट, वो चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल है। पीछे आप देख पा रहे हैं सेंसर है, आगे आपको स्क्रीन मिलती है इसकी छोटी सी, और साथ में इसके आपको मिलेगा एक चार्जर जिससे आप चार्ज भी कर सकते हैं इसको। ये बात मेरे को सही लगी, आप इसको चार्ज कर सकते हैं, तो अच्छी बात है। वैसे चार्ज तो कर सकते हैं बैटरी से, तो चार्ज तो कर ही सकते हैं। तो आप किसी भी USB डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब अगर आपके पास लैपटॉप है उसके साथ, या आप PC के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अडॉप्टर है कोई उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं इसको। तो उस बात में भी काफ़ी हेल्पफुल है मुझे लगा। आपको कैसा लगा मेरे को जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। तो अगली परचेज की बात करें तो ये आ रहा है मी का राउटर। ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, MI का राउटर है जो। तो अगर आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आपने ये यूज़ करना है, तो ये एक चीज़ में बहुत काफ़ी अच्छा है कि अगर आपके साथ कौन कौन डिवाइसेस किसके कनेक्ट है, वो चीज़ इसमें पता चल जाती है, कितने डिवाइसेस कनेक्ट है वो चीज़ पता चल जाती है। ये बात मेरे को इसकी काफ़ी अच्छी लगी, और इसकी जो रेंज है वो भी काफ़ी बढ़िया है अगर देखते बाकी राउटर्स से अलग से। और बजट में आ जाता है ये भी बात मेरे को इसकी सही लगी कि बजट में आ जाता है आपका, इसको 2000 कुछ के अराउंड ये आ जाता है। तो ये भी खरीदे हुए काफ़ी टाइम हो गया मेरे को, इसकी पूरी जो वीडियोज है जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये थी मेरी अगली परचेज जो कि है मोटोरोला के हेडफोन। ये बेसिकली मेरी पहली या दूसरी अनबॉक्सिंग होगी। तो ये मोटोरोला के हेडफोन, ये भी मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, ये भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे, बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा लगा इसका, और जो दिखने में लुक वाइज है वो भी काफ़ी अच्छा है, और जो बॉडी के हिसाब से कह सकते हैं कि बॉडी
इतनी परफेक्ट नहीं है, और इसमें मेरे को अच्छी चीज क्या नहीं लगी वो ये है कि अगर हम इसको यूज कर रहे हैं ब्लूटूथ पे तो साउंड थोड़े लो है, बेस जो है वो थोड़ा लो है, बाकी जो अगर आप लीड के साथ यूज कर रहे हैं तो तब इसका बेस मेरे को काफी सही लगा। बाकी दिखने में लुक वाइज अच्छा है, पड़ा हुआ अच्छा लगता है, और अगर आपने पहना है तब भी लुक वाइज काफी बढ़िया लगे, एक प्रीमियम लुक देता है ये हेडफोन, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये मेरे को काफी सही लगा। तो अगली परचेज है मेरी, एक कैनन का कैमरा है, ये है 1300D। तो ये भी मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, जितनी भी मेरी वीडियोज है आने वाली, मतलब जो अगस्त के बाद जितनी भी वीडियोज आई है वो सारी मैंने इस पे से बनाई है, और जो दूसरे चैनल पे है वो भी सारी इससे बनी हुई है, तो उस हिसाब से मेरे को ये काफी अच्छा लगा ये कैमरा अगर देखा जाए तो। तो आपको कैसा लगा ये कैमरा मेरे को जरूर बताया कि आपने वीडियो देखी है मेरी तो उसमें आपको कैसी क्लैरिटी लगी इस कैमरे की, और क्या अगर जो चीज अच्छी नहीं लगी वो भी मेरे को जरूर बताया कमेंट सेक्शन में। बाकी मेरे को तो काफी सही लगा, स्क्रीन वाइज भी और जो क्लैरिटी है वो तो मुझे काफी सही लगी, अगर एक बिगिनर यूट्यूबर है उसके लिए काफी सही रहेगा ये कैमरा अगर यूज कर रहे, बजट में भी आ जाते हैं आपके मेरे से 20 या 25 कुछ के अराउंड शायद ये पड़ रहा हो, तब तो मेरे 30-35 के अराउंड कुछ था, तो आप जाके देख सकते हैं अमेजोन पे आपको मिल जाएगा, और अगर इसके बारे में पूरी वीडियो चाहिए वो भी मैं डाल कर रख दूंगा, आप देखना चाहते हैं तो मेरे को जरूर बताएं कमेंट सेक्शन। तो ये थी मेरी लास्ट परचेज जो कि है एप्पल की एक वॉच, ये भी काफी सही लगी, मगर इसमें भी मेरे को थोड़ा बहुत बैटरी बैकअप का दिक्कत लगा, अगर हम यूज करते इसको ज्यादा ही तो बैटरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं है इसकी, और लुक वाइज काफी सही लगती है मगर इतना वो नहीं है कि एप्पल वाला लुक दे, मगर स्मूथ काफी है इसकी टच जिस हिसाब से देखा जाए, छोटी सी स्क्रीन है मगर स्मूथ काफी है, और पहनने में भी कंफर्टेबल है, कोई भी मतलब ऐसे नहीं कि इचिंग होगी या कुछ होगा, उसके मामले में काफी स्मूथ है ये, और जो डिस्प्ले है वो भी काफी स्मूथ है, और साथ ही कनेक्ट कर देते हैं अपने एप्पल फोन से, बस ये मेरे को खराब एक और चीज लगी कि सिर्फ एप्पल डिवाइस से कनेक्ट होती है, बाकी सेंसर वगैरह भी इसके काफी स्ट्रॉन्ग है, और एप्पल की वॉच है तो थोड़ा तो हो गई है, मैंने कुछ पता इसकी थी 20-25 के कुछ अराउंड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, शेयर करें ज्यादा इस वीडियो को, तो आज के लिए इतना के लिए मैं अच्छी वीडियो अच्छी न्यूज और अच्छी बातचीत, तो चलता हूँ मैं, टाटा बाय बाय सायनारा, मिलते हैं अगले एपिसोड में, इसे ले जाता हूँ फ्रेश बताए फ्रेश न्यूज।